بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Students, in previous lecture we have discussed about the pH scale, and we have already discussed about the pH of acids and bases. pH of acids is less than 7 and pH of bases is more than 7, and a substance having pH equal to 7 is neutral. आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस पीएच की इम्पोर्टेंस क्या है. पीएच मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन्स. तो ये पीएच क्या होता है, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अब हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. पीएच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ. स्टूडेंट्स, ये जो पीएच है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन्स जो है, ये हमारी जिंदगी में एक अहम रोल प्ले करता है. पहले हम देखेंगे इसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है. बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस एट डेफिनेट पीएच वैल्यूज. आवर बॉडी वर्क्स विद इन अ पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8. डियर स्टूडेंट्स, इसकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है. हमारी बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं, नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी वर्क करती है विद इन ए पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8. अगर 7.8 इसके बीच थोड़ा सा इस पीएच में चेंज आ जाए तो बॉडी अच्छी तरह से भी फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर 7 से कम या 7.8 से ज्यादा तो एंजाइम्स की एक्टिविटी अफेक्ट होती है, हार्मोन्स की एक्टिविटी अफेक्ट होती है, तो वी कांट फील वेल इफ पीएच चेंजेस ऑफ आवर बॉडी. तो अगर ये पीएच जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन्स है, अगर ये चेंज हो जाएगा 7 से कम या 7.8 से ज्यादा, तो वी कांट फील वेल, चाहे फिर फीवर हो जाए या और कोई, तो हम तो फील अच्छे से नहीं कर सकते हैं. तो इसका मतलब है कि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है हमारी बॉडी में, इसकी बहुत सारी इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में, क्योंकि नंबर ऑफ एंजाइम्स आर वर्किंग इन आवर बॉडी, नंबर ऑफ हार्मोन्स आर फंक्शनिंग in our body, their activity, their function will be affected if pH of our body changes. तो ये आपको याद रखना है कि इसकी importance है कि हमारी biochemical reaction जो हमारी body में होती है वो definite pH पे होती है. pH in our digestive system, तो आपने digestion के बारे में पढ़ा होगा कि digestion क्या होती है. तो mouth उसमें salivary juice, सेलेवरी ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं सेलेवरी जूस, तो फिर जो हम फूड खाते हैं, फिर वो स्टॉमक में चला जाता है थ्रू फूड पाइप से, तो स्टॉमक में उसको एक जूस जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, तो इस गैस्ट्रिक जूस के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वहाँ पे, तो जो इसका पीएच होता है वो एसिडिक होता है. तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये एसिड है, तो इससे क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प इससे मिलती है, तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन. तो यही हमें देखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है. आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, but during indigestion the stomach produces too much acid which causes pain and irritation. students, to ye digestion mein help karta hai hydrochloric acid. agar ye zyada secrete ho jayega indigestion ki wajah se ya overeating ki wajah se, ya agar hum kuch na khaye
तो उस वक्त भी स्टॉमक में ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये ज्यादा सिक्रीट होता है, तो जिसकी वजह से हमारी स्टॉमक में वी फील पेन और इरिटेशन, ठीक है, हमारे वी फील पेन एंड इरिटेशन, तो जिसकी वजह से, क्योंकि रीजन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ज्यादा सिक्रीट होता है ओवर ईटिंग की वजह से, इनडाइजेशन की वजह से, या अगर हम यानी खाना बिल्कुल ना खाए तो उस वक्त भी ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो विच काज एसिडिटी, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है कि ये देखिए स्टोमा, यहाँ पे मैंने फिगर बाई बनाई डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की, यहाँ पे फूड पाइप है, ये स्टोमक है, यहाँ से ये जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो यहाँ पे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो यहाँ स्टोमक में हमें ये जो गैस्ट्रिक जूस, जो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, और उसमें क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो एसिडिटी स्टोमक में जो एसिडिटी क्रिएट हुई ड्यू टू एक्सेस, ड्यू टू मच सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको उस पैन से रिलीव होने के लिए, कम उस पैन को कम करने के लिए, टू रिलीव दिस पैन एंड एसिड सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, विच इज माइल्ड बेस, इज यूज टू ब्रिंग द पीएच इन स्टोमक इन द नॉर्मल रेंज। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कि सिक्रीशन ज्यादा, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा सिक्रीट हुआ, तो इस फिर एसिडिटी उसको कहते हैं, और पैन और इरिटेशन हमारे स्टोमक में होते हैं। तो इस पैन से रिलीव पाने के लिए हम क्या करते हैं, ये मिलिक ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, वो फिर हम दवाई की सूरत में लेते हैं, वो पेंटॉप डीएसआर, वो डिफरेंट ड्रग्स की सूरत में आता है, डिफरेंट टैबलेट्स की या मेडिसिन की सूरत में आता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें बेस होते हैं, असल में उसमें क्या होते हैं, बेसिक सबस्टेंस होता है, तो वहां से जो HCl, और यहाँ जो बेस जब हम ये दवाई की सूरत में लेते हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करता है एंड वी फील रिलीव फ्रॉम द पेन। तो नॉर्मल पीएच को नॉर्मल रेंज पे लाने के लिए हम ये दवाइयां फिर लेते हैं। तो पीएच चेंजेस एज द काज ऑफ टूथ डिके। तो स्टूडेंट्स अगर पीएच चेंज हो जाता है हमारे माउथ में, तो टूथ डिके स्टार्ट, तो टूथ डिके फिर होती है। तो ये टूथ डिके क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया, टूथ एनिमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये जो टूथ एनिमल जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ हार्डेस्ट सब्सटेंस एज कैल्शियम फॉस्फेट, एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी एनिमल। तो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जब हम कुछ फूड खाते हैं जिसमें शुगर हो, फैट्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, तो ये जब हम फूड खाते हैं, तो इस फूड पार्ट इसके कुछ पार्टिकल्स हमारे दांतों में रहते हैं, ठीक है, जो इनके बीच जो छोटी छोटी गैप होती हैं उस में ये फूड पार्टिकल्स रहते हैं। अगर हम फिर ये ब्रश या मिसवाक ना करें और अच्छे से इन दांतों को साफ ना करें, तो फूड पार्टिकल्स इसमें रहते हैं। फिर क्या होता है, इसमें जो शुगर होता है और जो बैक्टीरिया जो होते हैं माउथ में, तो वो इसको डिग्रेड करते हैं, तो सिक्रीशंस वहां पे निकलते हैं, एसिडिक सिक्रीशंस, जो शुगर को जब कन्वर्ट किया जाता है, वो बैक्टीरिया जब इसको कन्वर्ट करते हैं, वहां पे सिक्रीशन, एसिडिक सिक्रीशंस वहां पे एक्सेस में होती है। जब सिक्रीशन, एसिडिक सिक्रीशंस वहां पे प्रोड्यूस हो गई, उसकी वजह से जो माउथ का जो नॉर्मल पीएच होता है वो अराउंड न्यूट्रल ही होता है, या 7.4, या वो तो बिफोर सेलेवा का जो पीएच होता है बिफोर मील जो होता है वो 7.4 होता है, और आफ्टर मील्स वो 5.8 होता है। तो 5.8 वो होता है आफ्टर मील सेलेवे का पीएच। तो फिर क्या होता है, जो ये सिक्रीशन, एसिडिक सिक्रीशन, वहां पे बैक्टीरिया या ये शुगर पार्टिकल्स, फूड के जो शुगर पार्टिकल्स हमारे दांतों में फंस गए, तो वहां पे क्या होते हैं, इसमें बैक्टीरिया एक्ट होते हैं और वहां पे एसिडिक मीडियम बनता है, और जब एसिडिक मीडियम बन गया तो मीन्स के वहां पे एसिड्स प्रोड्यूस हो गए, तो जिसकी वजह से वहां पे जो पीएच होता है, जब वो 5.5 से कम हो जाए, दैट मीन्स कि जब वो एसिडिक, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ वहां पे मीडियम क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से जो ये टूथ होता है, जो इसमें जो एनिमल होता है टूथ का, वो आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होता है, जिसकी वजह से टूथ डिके फिर होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आप देखिए,
ये टीथ यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर ये देखिए ये जो टूथ है इसमें ये टूथ डिके हो गई, ये कैविटी लाइक इसमें प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू एसिडिक मीडियम इन माउथ आफ्टर व्हेन द फूड पार्टिकल्स शुगरी फूड पार्टिकल्स रिमेन इन द टीथ। उससे फिर क्या होता है वहाँ पे बैक्टीरिया उस पर एक्ट होते हैं एंड मीडियम ऑफ माउथ बिकम्स टू मच एसिडिक व्हेन द पीएच बिकम्स लेस देन 5.5 तो वहाँ पे फिर टूथ डिके स्टार्ट होते हैं, देन टूथ डिके स्टार्ट होते हैं। तो आपको मालूम है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सफाई है वो नसब ईमान है। तो वो दांतों की सफाई के बारे में, हर एक ऑर्गन की सफाई के बारे में तो उन्होंने फरमाया। तो यहाँ पे अगर हम दांतों की बात करेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा ताकीद किया है कि ये मिसवा करने की। तो आप देखिए कि जब ये टूथ डिकी होता है तो फिर कितनी पैन वहाँ पे महसूस होती है। तो इसीलिए हमें दांतों का भी खास ख्याल रखना है, जब कुछ खाएं तो उसके बाद मिसवाक, या अगर मिसवाक अवेलेबल ना हो तो ब्रश भी कर सकते हैं। अगर ब्रश भी अवेलेबल ना हो तो ये जो ये इंडेक्स फिंगर जिसको शहादत की उंगली कहते हैं, इससे दांतों को अच्छे से साफ करना और पानी यानी पानी से अच्छे से साफ करना और इससे दांत को रब करना, तो ताकि ये फूड पार्टिकल्स बाहर आ जाए और दांत साफ रहें तो और टूथ डिके ना हो जाए। तो व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ बिकम्स लेस देन 5.5 एंड करोजन ऑफ टूथ एनामल टेक्स प्लेस, फिर क्या होता है जब पीएच 5.5 से कम होता है तो टूथ डिके वहां पे फिर होता है। तो इस पे वो ये पहले तो येलो कलर कलर्ड लेयर जिसको प्लेक कहते हैं वो पहले डिपॉजिट होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता टूथ डिके स्टार्ट होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन द सॉइल ऑफ द सॉइल इन एग्रीकल्चर प्लांट्स, डियर स्टूडेंट्स, प्लांट जो होते हैं ये भी एक स्पेसिफिक पीएच पे यानी अच्छे से ग्रो होते हैं। अगर ये पीएच कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, एसिडिक की तरफ या बेसिक की तरफ मूव हो जाता है जब पीएच, तो फिर प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, जो प्लांट्स होते हैं इनके लिए भी क्या स्पेसिफिक पीएच की जरूरत होती है हेल्दी ग्रोथ के लिए। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्लांट है जिसको एसिडिक मीडियम की जरूरत हो, अगर पीएच ऑफ द सॉइल ने बेसिक की तरफ मूव हो जाए, बेसिक की तरफ कन्वर्ट किया जाए, तो फिर वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। इसी तरह से अगर कोई प्लांट जिसके लिए बेसिक मीडियम पीएच की जरूरत हो तो अगर उसमें एसिड्स ऐड किया जाए सॉइल में, फिर वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। ये कोई ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनको नहीं यानी ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक की मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उनका पीएच यानी सॉइल का अगर पीएच पे चेंज किया जाए तो वो प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं करते। आप देखिए कि हम पढ़ रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या है एवरीडे लाइफ में, प्लांट्स पर भी यानी एनिमल्स पर भी इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसी तरह प्लांट्स पर भी या इसके बगैर जो एक्वेटिक लाइफ होते हैं उस पर भी क्या इफेक्ट होता है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर ए पर्टिकुलर सॉइल इज फिट फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप वी हैव टू चेक द पीएच ऑफ दैट सॉइल एंड देन कंपेयर इट्स पीएच रेंज इन विच इट्स ग्रोथ इज हेल्दी। तो स्टूडेंट्स पहले क्या किया जाता है, इसके लिए पहले हमें टेस्ट करना होता है कि इस सॉइल का पीएच क्या है, तब जाके हमें प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करने होते हैं। एंड ऑल्सो डिटरमाइन वेदर एसिडिक और बेसिक फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट ऐसा कोई क्रॉप है वो एसिडिक मीडियम में अच्छे से ग्रो करता है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें इसका टेस्ट करना चाहिए सॉइल का, ताकि पीएच वहां पे देखा जाए, फिर उस पीएच को यानी मैच करना चाहिए किसके साथ, या अगर कोई फर्टिलाइजर हम वहाँ पे ऐड करते हैं हमें पहले चेक करना है कि इस सॉइल का पीएच क्या है, तब जाके हमें फर्टिलाइजर्स वहाँ पे ऐड करने हैं। वो खाद वगैरह जो हम ऐड करते हैं वो ऐसे ही नहीं ऐड करने होते हैं, पहले हमें चेक करना होता है कि इस सॉइल का, इस प्लांट का पीएच क्या चाहिए, इस सॉइल का पीएच क्या है। तो इसीलिए हमें पहले इसको चेक करना चाहिए, इसके लिए डिफरेंट टेस्ट आते हैं वो हम कर सकते हैं।
तो एसिड रेन क्या होता है? स्टूडेंट जब रेन पड़ता है, रेन वाटर आपको पता है कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है, लेकिन जब ये रेन पड़ते हैं इसके साथ जो हवा में डिफरेंट ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो वो रेन वाटर के साथ मिलकर एसिडिक रेन बनता है। जो रेन फिर पड़ता है, बारिश जो पड़ती है, फिर उसके साथ वो गैसेस मिलते हैं, ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड्स या कार्बन डाइऑक्साइड्स या सल्फर डाइऑक्साइड्स, इसी तरह से बाकी ऑक्साइड्स के साथ। तो फिर इसका मीडियम जो होता है रेन वाटर का, ये एसिडिक बन जाता है। तो जब ये फिर एसिड, ये रेन जब पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, तो जो मोनोमेंट्स होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ये रिवर्स में या पॉन्ड्स में एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, फिर उसका उनका पीएच वहां पे चेंज होता है, वो भी फिर किल होते हैं, वो प्लांट्स भी वहां पे फिर अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। रेन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर हैविंग पीएच इक्वल टू 7। इफ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर गेट डिजॉल्व्ड इन द रेन वाटर, देन द पीएच ऑफ द रेन वाटर बिकम्स लेस देन 5.6, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। तो एसिड रेन, क्योंकि इसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, तो जिसकी वजह से ये रेन एसिड बन जाता है, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। व्हेन दिस एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर्स, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर एंड देयर फोर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स टू डिफिकल्ट। तो स्टूडेंट, जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वाटर बॉडीज में, तो फिर जब ये एसिड रेन पड़ता है तो उनका पीएच वहां पे चेंज होता है, जिसके जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ वहाँ पे डिफिकल्ट होते हैं, वहाँ पे वो अच्छे से फिर ग्रो नहीं करते हैं। एक्वेटिक लाइफ लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, फिश एटसेट्रा गेट्स सेवियरली अफेक्टेड, किल एक्वेटिक लाइफ। तो एसिड रेन किल करता है या एक्वेटिक लाइफ को फिर, या मोनोमेंट्स को भी, या इसी तरह से बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक मैंने यहाँ पे ऐड किया कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड्स एंड बेसिस इन टू देयर स्किन। तो स्टूडेंट्स, कुछ प्लांट्स हैं और कुछ एनिमल्स हैं जो अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, जब उनके नज़दीक एनिमी आता है, जब उनके नज़दीक दुश्मन आता है, वो क्या करते हैं, वो इंजेक्ट करते हैं क्या, एसिडिक या बेसिक लिक्विड्स, ठीक है, एनिमी एनिमीज के स्किन में। तो इसकी एग्जाम्पल मैं भी आपको दूंगा, जिसकी वजह से पैन और नहीं इरिटेशन होते हैं उस एनिमी के स्किन में। तो मैं आपको इस एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हनी बी इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड ऑन स्टिंगिंग। जब ये हनी बी, जो शहद की मक्खी जो होते हैं, जब ये स्टिंग करते हैं, जब ये डंग मारते हैं, तो उस वक्त ये क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं एसिडिक लिक्विड, ठीक है, तो जिसकी वजह से इट कॉज पेन एंड इरिटेशन, ठीक है। तो पेन और इरिटेशन होते, इचिंग होते हैं वहां पे। तो इफ रबड बाय बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन द स्टिंग एरिया ऑफ द स्किन गिव्स रिलीफ, अगर हम फिर इस स्किन को जहाँ पे इस हनी बी ने स्टिंग मारी, तो वहाँ पे ये फिर क्या, इसको अगर रब किया जाए वहाँ पे उस पोर्शन को जहाँ पे ये इसने ये स्टिंग मारी, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, उसको बेसिक मीडियम से बेकिंग सोडा, जिसमें वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी वीक बेसिक सबस्टेंस से अगर इसको रब किया जाए वहाँ पे, चाहे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले या और कोई बेसिक बस ले लें, तो इसको अगर रब किया जाए तो वहां पे हमें रिलीफ मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे एसिडिक ये सबस्टेंस इंजेक्ट हुआ, तो यहाँ पे हम बेसिक सबस्टेंस ऐड करते हैं, तो ये फिर न्यूट्रलाइज इफेक्ट होता है, ये जो इफेक्ट होता है ये कैंसिल आउट होता है एसिडिक सबस्टेंस, तो फिर हमें रिलीफ वहां पे क्या फील हो जाएगी। वाष्प सीडिंग इंजेक्ट्स एल्केलाइन लिक्विड इनटू द स्किन, जब वाष्प, ठीक है, जब वाष्प स्टिंग मारती है, जब ये वाष्प स्टिंग मारती है, डंग मारती है स्किन में किसी पर्सन को, तो अगर फिर इसको रब किया जाए, माइल्ड एसिड सॉल्यूशंस लाइक विनेगर गिव्स
Vinegar gives relief from pain and irritation effect, cancels out neutralization occurs. तो इससे क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है, जब हनी बी स्टिंग मारते हैं वहां पे एसिड इंजेक्ट वो करते हैं, अगर वासप स्टिंग मारते हैं तो ये क्या करते हैं, इंजेक्ट एल्कलाइन लिक्विड, ठीक है, दैट मीन बेसिक सबस्टेंस। तो जब इसको अगर हम रब करेंगे वहां पे इस पोर्शन ऑफ स्किन को जहाँ पे इसने डंग मारी, तो माइल्ड बेस एसिड से लाइक विनेगार से, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, ये इफेक्ट वहां पे न्यूट्रलाइज होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वहां पे फिर होती है, जिसकी वजह से वी कैन फील रिलीफ फ्रॉम पेन, ठीक है, एंड इरिटेशन। तो एंटासिडिंग इंजेक्ट्स मेथनोइक एसिड इनटू द स्किन ऑफ पर्सन कॉजिंग बर्निंग पेन। जो आंट, ठीक है, जो अब ये स्टिंग मारते हैं तो ये मेथनोइक एसिड एसिडिक सब्सटेंस इंजेक्ट करती है। तो अगर इसको हम रब करें किससे, बेकिंग सोडा से, जिस जो बेस होती है, तो फिर हमें रिलीफ वहां पे मिलेगी, रिलीफ फ्रॉम पेन एंड इरिटेशन ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन, वहां पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स ये भी आपने देखा हो कि नेटल इज अ हर्बेशियस प्लांट, जिसको कश्मीरी में ये सोई कहते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि उसके जो लीव्स होते हैं उसमें छोटे छोटे वो ये कांटे जैसे होते हैं छोटे छोटे। तो इट्स लीव्स हैव सिटिंग हियर व्हेन अ पर्सन हैपन्स टू टच द लीव्स ऑफ नेटल प्लांट एक्सीडेंटल, देन पेन एंड इरिटेशन ऑकर्स इन द सिटिंग एरिया ऑफ स्किन। अगर इसके साथ हमने कभी ने छुआ, इसके साथ टच किया, इसके लीव्स के साथ या इस प्लांट के साथ, तो ये वहां पे क्या होते हैं, वी फील पेन एंड इरिटेशन, जबरदस्त ये पेन होती है। तो क्योंकि इसमें क्या होता है, एसिडिक सब्सटेंस मेथनोइक एसिड इसमें होता है। तो ये देखिए आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सिटिंग प्लांट है, ठीक है, ये सिटिंग प्लांट है, तो ये इसके लीव्स पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, ये कांटे जैसे होते हैं, तो जब ये स्किन के साथ टच करते हैं, ये देखिए पैचेस, रेड पैचेस यहाँ पे फिर स्किन पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये ग्रेच हिस्से खसान, ठीक है, तो रेड पैचेस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इस नेटल प्लांट के लीव्स ने इंजेक्ट किया एसिड, मेथनॉइक एसिड, तो इसीलिए पैन वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे जो ये आप यहाँ पे ये प्लांट हर्बेशियस, और एक प्लांट इसके बगल में होता है, इस नेटल प्लांट के बगल में दूसरा प्लांट होता है जिसको डॉट प्लांट कहते हैं। अगर जहाँ पे इस नेटल प्लांट के लीव से हमने टच किया, तो अगर इस सिकिन को हम वहाँ पे रब करेंगे इस डॉट प्लांट के लीव से, तो ये फिर न्यूट्रलाइज होता है इफेक्ट, तो वहाँ पे फिर हमें पैन मिलेगी। तो ये नेचुरल रेमेडी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मेथनॉइक एसिड, तो यहाँ से जो ये इसमें बेसिक केमिकल्स होते हैं डॉग प्लांट के लीव्स में, तो अगर हम रब करेंगे इस स्किन को, फिर वहां पे हमें रिलीफ पैन से मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है। तो नेटल लीव्स इंजेक्ट्स मेथनॉइक एसिड इनटू द स्किन, तो रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा, रब द सिटिंग एरिया विद बेस लाइक बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज टेक्स प्लेस, तो वहां पे क्या ये इफेक्ट फिर कैंसल आउट होता है, तो वी फील रिलीफ। तो नेचुरल रेमेडी डॉग प्लांट, ये भी मैंने आपको बोला, इट्स लीव्स कंटेन्स बेसिक केमिकल्स, ऑन रबिंग विद इट्स लीव्स एसिडिक इफेक्ट कैंसल्स एंड पर्सन फील्स रिलीफ फ्रॉम द पेन कॉज्ड बाय द सिटिंग एरिया ऑफ नेटल लीव्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने बात की, ये तो पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्ले रोल करता है ये हमारी डे टू डे लाइफ में, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आएगी, कहीं पे प्रॉब्लम होगी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। डियर स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।